हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कुछ इस फॉर्म को लिया था। इस क्लास में भी हम यही वाले फॉर्म लेने वाले हैं, बट इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरह से। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अब एक इजी तरीका आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बहुत इजी है, फास्ट है, आपको करने में बहुत हेल्प मिलेगी। उसे कहते हैं ग्राफ पेपर। इस पेपर पर आप बनाइए, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ग्राफ पेपर दो तरह के आते हैं, एक तो ऐसा आता है और एक जिसके अंदर इस जो छोटे वाले बॉक्स हैं वो नहीं होते। बट ये वाला आप ग्राफ पेपर प्रेफर करना, क्योंकि इसके अंदर एक जरा सी भी एक एमएम की भी डायमेंशन आपको इजीली मिल जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ये फिगर। ये वाला क्वेश्चन पहले हमने लिया था, इसको हमने उल्टा कर दिया है। ये हमारा एलिवेशन है, और ये हमारा प्लान है। अब प्लान में आप देख रहे हो कि ये एक डोटेड दिखा रहा है, ये पोर्शन डोटेड है। वो इसलिए क्योंकि ये रूफ जो है अब ये ऊपर आ गई है टी की। जब मैं इस फिगर को ऊपर से देखूंगा तो मुझे इस कॉलम की ऊपर से दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोटेड में करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस चीज को जानते ही हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डोटेड में कर रखा है। और बाकी फॉर्म है, अब इसकी शेड बनेगी, कैसे बनेगी देखते हैं। ये हमारा ग्राउंड है। तरीका हमारा वही होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यहां पर कैसे लेंगे, इस बॉक्स, ये जो बॉक्स बन रहा है यहां पर, ये बॉक्स बन रहे हैं जो ग्राफ पेपर के बॉक्स हैं। अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम एक लाइन बनाते हैं कोई सी भी, तो ये 45 डिग्री के ऊपर होते हैं। ऐसे करें या फिर ऐसे करें, ये हमारी 45 डिग्री पर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, नॉमेनक्लेचर में कर देता हूँ। इस रूफ की अपर वाला जो पॉइंट है ए बी सी एंड डी, ऊपर वाला मैंने कहा था इस रूफ की ऊपर वाला, तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। अब बात आती है नीचे वाले की, यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। 1 कहां पर, 1 इसके नीचे है, 2 बी के नीचे है, 3 सी के नीचे, 4 डी के नीचे। ये हमने इसके नोमेनक्लेचर कर दिए। तो सबसे पहले मुझे बी चाहिए पॉइंट, यहां से बी मैं 45 डिग्री पर लेता हूं, कॉर्नर से कॉर्नर भी लाऊंगा, जस्ट कॉर्नर से कॉर्नर। अब बी पॉइंट यहां पर है, अब मैं यहां से लेकर आता हूं। अब देख लो ग्राउंड से यहां पर टच हो गया। अब इसके बाद क्या करते थे हम, उसको नीचे लेकर आते थे। तो यहां पर हमारा क्या मिल गया, बी पॉइंट। पॉइंट अलग करने के लिए मैं बी डैश कर सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट 2, यहां पर है 2। अगर मैं इसको लेकर आऊंगा तो इस पे आएगा, बट 2 यहां पर है। यहां पर ही हमारा 2 मिल गया, 2 डैश। अब मुझे चाहिए सी, सी यहां पर है, इसको लेकर आऊंगा, इसमें मिलेगा, मीन्स सी यहां पर है। अब डी चाहिए मुझे, डी पॉइंट लेता हूं, अब एक तरीका तो मैं यहां से इसको पॉइंट बोलूं, बट जैसे मैंने अर्ली क्वेश्चंस में मैंने कर रखा है कि हम यहाँ से इसके पैरेलल लाइन लेते थे, सी से एक मैं पैरेलल लाइन ले सकता हूँ। ये हमारा ये शॉर्टकट तरीका है। तो हमारा ये डी डैश मिल गया, सी डैश डी डैश।
अब मुझे क्या चाहिए, 4 ये इसी लाइन पर मिलने वाला है। यहां पर हमारा 4 मिल गया, 4 डैश। अब मुझे चाहिए ए पॉइंट, पॉइंट ए। मैं देख रहा हूं दोनों इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं, जो कि रूफ के नीचे चले गए, रूफ के नीचे गए हैं ए पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं 1 पॉइंट लूंगा तो 1 इसके नीचे यहां पर आएगा, ये रूफ के नीचे है तो रूफ के नीचे तो मुझे दिखाई नहीं देगा कुछ भी। ये हमारी रूफ की शेड बन गई है, अगर मैं इसको शेड देना चाहूं। तो ये हमारी रूफ की शेड बन गई है। अब मुझे कॉलम की शेड बनानी है। अब मैं कॉलम के पॉइंट्स अगर लूंगा यहाँ से, तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा शेड के अंदर आ रहा है, और जितना भी ये वाला पोर्शन है ये तो रूफ के नीचे आ गया जो दिखाई नहीं देगा, और जो कॉलम इधर आने वाला था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि शेड में आ गया। तो इस क्वेश्चन की प्लान के अंदर शेड यही बनने वाली है, ये हमारा इसका आंसर है। अब आते हैं एलिवेशन में, कि एलिवेशन में किस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि एलिवेशन में कोई पीछे वॉल नहीं है तो वॉल पे तो बनने वाला है नहीं, जो भी शेड बनेगी हमारी कॉलम के ऊपर बनेगी। अब देखेंगे कॉलम पे किस शेप में शेड बनने वाली है हमारी। अब मुझे चाहिए पॉइंट ए कॉलम के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर मुझे ए पॉइंट चाहिए। अब मैं देखूंगा ए पॉइंट तो मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि वो ऊपर है, नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं इनकी शेड्स बनेगी कॉलम के ऊपर, वो मुझे देखना है किस तरह से बनने वाली है। तो 1 पॉइंट जो है वो हमारा कॉलम के ऊपर शेड बनाएगा, ए के नीचे ही है वो कॉलम पॉइंट, सॉरी ए के नीचे है पॉइंट 1। मैं यहाँ से लेता हूँ 45 डिग्री एंगल पर, वो यहाँ पर कॉलम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं यहाँ पर 1 पॉइंट लेता हूँ, इसे स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो 1 पॉइंट है यहाँ मिल रहा है, 1 डैश, मैंने नाम दिया इसको 1 डैश। अब अगर मैं, अब इसको आगे कैसे जाएगा ये, इसको करने के लिए मैं दूसरा एक पॉइंट जनरेट करता हूँ खुद ही, ये रहा दूसरा मैंने पॉइंट लिया है अपने आप। इसको मैं 45 डिग्री एंगल पे करता हूँ, ये कॉलम के पर यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहाँ लिया था, जहाँ मैंने नीचे लिया था पॉइंट वही मैं एलिवेशन में लूँगा, जो एलिवेशन में लूँगा वही मैं प्लान में लूँगा, दोनों पॉइंट्स मेरे सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया, ये पॉइंट मेरा यहाँ था, इस पॉइंट को अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ, ये कॉलम से ऊपर गया, तो मैं देख रहा हूँ कि आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या होने वाला है, यहाँ पर ये ऐसे मिल रहा है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये भी स्ट्रेट जाएगा, आगे तो कोई कॉलम है नहीं ना वॉल से, तो ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा एरिया हमारा शेड में हो जाएगा। ये इस कॉलम की इसकी फिगर थी जिसमें हम शेड बनाया, ये कॉलम के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर बनी है, ये ग्राउंड पर बनी है, ये कॉलम पर बनी है। तो आपने देखा कि ग्राफ पेपर पे कितना इजी होता है बनाना, क्योंकि इसके अंदर मेजरमेंट बहुत इजीली ली जा सकती है। तो अब से जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप, ग्राफ पेपर पे करना बहुत ईजी होता है, या फिर ड्राफ्ट करना डायरेक्ट, या तो ड्राफ्ट या फिर ग्राफ पेपर, बहुत ईजी होता है। मैंने दिखा दिया है आपको ये कैसे बनाया है।
और मुझे बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर, कुछ मिस हुआ है, कुछ भी और बताने लायक है, कोई कोई टिपिकल क्वेश्चन से मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपको।